अलर्ट आए क्या? निर्धारित फार्म भरूंगा, अपन ने अभी थोड़ी और देखना है, विजय सिंह ने परसों जाना है, हमारे सब लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, जो इस निर्णय से उनके गले में ये बात निर्णय उतर नहीं उतर पा रही है, हम चर्चा कर लड़ू निर्दलीय, उनसे कोई मतलब नहीं, मैं कभी मांगने तो गया ही नहीं। 2013 के चुनाव में, 14 के चुनाव में आप सबके आशीर्वाद से मुझे शुभ अवसर मिला, भारी भरकम विभाग, आदिवासी विभाग, इस प्रदेश की जनता को, अपने समाज के लोगों की सेवा करने का शुभ अवसर मिला। हमारे साथी स्वर्गीय प्रस्ते जी का आकस्मिक निधन के बाद फिर प्रक्रिया शुरू हुई, उस समय हिमाद्री को कुछ हमारे नेता तथाकथित प्लेन में बैठा के दिल्ली ले गए, प्लेन से दिल्ली से भोपाल लाए, माननीय सीएम साहब निवास, मुख्यमंत्री निवास भोपाल में मिलवाए, आग्रह किए, हिमाद्री बोली मैं बीजेपी ज्वाइन नहीं करूंगा, ठेंगा देखा के चली आई। तब से हमारे कुछ लोग तथाकथित नेता लोग लगे रहे ताक में, ज्वाइन नहीं की। फिर 16 में शुरू हुई प्रक्रिया, इसके बाद फिर प्रक्रिया शुरू हुई, माहौल माहौल मनाने को, शादी की आड़ में आना जाना, मैं था कि शादी में कौन आता है कौन जाता है, बारात तो पहुंची ही नहीं थी, बगैर बारात के हमारे नेता लोग मिलने गए, मैं भी साथ में था, क्योंकि मेरे मुखिया शिवराज सिंह चौहान जी थे, ये माद्री मुझसे नहीं मिली, संजय पाठक से मिली, प्रभात झा से मिली, अंदर चली गई, मैं बाहर खड़ा रहा, बगल में गेस्ट हाउस वहाँ चला आया, मेरे से नमस्ते तक नहीं की, मुझे बड़ा मन में क्षोभ था, चूंकि मेरे मुखिया प्रशासनिक मुखिया जा रहे थे, तो इसलिए मैं चला गया था। और जीतने के बाद, ये अभी हाल की कहानी है,